आत्महत्या नहीं की हत्या हुई है। परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर की जांच की मांग। परिजनों ने एडिशनल एसपी को आवेदन देकर हत्या का लगाया आरोप। गोदन थाना क्षेत्र के ग्राम सेमाहा में गुरुवार देर रात नीम के पेड़ से युवक बल्ली पुत्र पंतू कैडेरे उम्र 25 वर्ष का शव पेड़ पर लटका मिला था। गोदन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारा और इंद्रगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर शव का पीएम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस शुरुआत में इसे आत्महत्या मानकर चल रही थी, लेकिन आज मृतक के परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर युवक की हत्या की आशंका जताई है और जांच किए जाने। आज शुक्रवार को मृतक के भाई, माँ एवं अन्य परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे। मृतक के भाई नंदू ने बताया कि गाँव में उसका खेत है जिसमें रेत है। गांव के जीतू दांगी, जसवंत सरपंच, अरविंद मोड़ सिंह, अनुजाट, राजेश द्वारा जेसीबी मशीन से उसके खेत से रेत चोरी की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर सभी ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर उसे पेड़ से लटका दिया, जिसे आत्महत्या लगे जबकि उसकी हत्या हुई है। इसकी जांच कराने के लिए ज्ञापन सौंप कर मृतक के परिजनों ने जांच कराने की मांग की है। एडिशनल एसपी कमल पौर्या ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराई जाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। इंद्रगढ़ से संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। बालू है तो बालू भर रही और हमारा भाई गांव, तो हम तो जब देते जब चार जने थे, माना दो मोटर रख के डीसी करते हैं तो बाघों अच्छा टांग दें और हम लोग पहुंचे तो फिर में फेर करो, तो हम लोग भग जाए अरे तो जब चले जाने जाती। फिर जब पुलिस प्रशासन पहुंची तो हमारा भाई वहाँ टंगा मिला और जो कहना हो सरपंच चौथ को जो है सरपंच मौजूद जी ने जजमान और मोर सिंह और हमारे गांव को राजेश एक अनु जाट और चौथ को जीतू डांगी बोलो नहीं मारी बोले हम है गुंडा बोले कोई है ही नहीं बोले हम नेता भी हैं बोले विधायक भी हैं तो फिर से अवकार तो हम तो साहब जो मालूम क्या पोस्टमार्टम कराओ बनने पुलिस ने सब कराओ मानो तो मालूम हम तो जो मालूम कभी पता ही नहीं और आधा दस हज़ार से लाश भी ले रहे हैं। हत्या की गई क्या सर? ये अभी जैसे कि आपके सामने ही नंदराम कलेरे आए हैं जो बता रहे हैं कि मेरे भाई को कुछ अज्ञात लोगों ने किन्हीं लोगों ने मार के टांग दिया है पेड़ पर। परंतु सुबह जब सूचना प्राप्त हुई थी तो थाना प्रभारी सुबह 6 बजे वहाँ मौके पर पहुँच गए थे। हमको ही फोन आया था तो वहाँ पर उनका पीएम कराया गया है मृतक का और अभी भी वहाँ एसडीओपी और थाना प्रभारी मौके पर ही हैं। मैंने उनको समझाई देंगे कि आप लोग वहाँ पहुँचे और जो भी तथ्य आएंगे पीएम रिपोर्ट में और आपके द्वारा जो बताई जाएगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे।